मैं भी देखती हूँ कब तक तुम लोग मुझे मेरे बच्चे से अलग रख पाओगे। एक बार मल्हार को जेल जाने दो, उसके बाद मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी। मल्हार जी जेल नहीं जाएंगे। मैं माँ की गणपति के दिन निर्जला व्रत रखने वाली हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि कल शाम 5 बजने से पहले मल्हार जी पे लगे सारे इल्जाम मिट जाएंगे। तुम्हारे पढ़ने लिखने का क्या फायदा कल्याणी, जो तू ऐसी बकवास बातों पे विश्वास रख रही हो। मोक्ष को भी तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगी। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो कल्याणी, लेकिन मल्हार को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। कोई जरूरत नहीं व्रत रखने की। मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज सच बता दीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं रखी, इसलिए अब आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। I'm sorry, मल्हार जी, I'm sorry. लेकिन अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो मुझे ही आपके लिए लड़ना होगा। कल्याणी क्या कर रहे हो और यहां क्या कर रही हो तुम? कल्याणी तुम रो क्यों रही हो? यह है आपका असली चेहरा मल्हार जी, जो औरतों की इज्जत करते हैं, कि शादी के इतने महीने भी कर, पर आपने कभी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। हमारे बीच तो शादी का रिश्ता भी है। अगर आप चाहते तो हर रोज इस बंद कमरे में मेरे साथ अब आप चाहे कुछ भी कहें, मुझे आप पे यकीन है कि आप निर्दोष हैं। अब मैं ये साबित करके रहूंगी कि आपने स्नेहा को छुआ तक नहीं। मैं जानती हूँ अनुप्रिया, ये तुम्ही ने किया है।
खुश रहो। आयशपत हमका पीनी है, पीनी है हमका पीनी है। हमका पीनी है, पीनी है हमका पीनी। अवसर मेरी बात सुनिए। अवसर अगर मैं ये ना लगाता तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देता। अरे आओ साहेब, मैंने सुना है कि घर में शराब ना आए इसलिए आपने व्रत रखा है। अफसोस, ऐसे भूखे प्यासे रहने के बावजूद भी घर में शराब तो आई चुकी है साहेब। अब परेशान रहने से अच्छा है कि घर के दो बड़े साथ में बैठ के लिटिल लिटिल तो लगा ही सकते हैं। अतर, दूसरी बॉटल्स ट्राई करो ना, शायद ब्लैक कॉफी बेटर टेस्ट करे। अरे रुके रुके रुके, मुझे दे दीजिए, मैं रख देती हूँ अंदर। थैंक यू। आई, तुम्हें ब्लैक कॉफी बनाना आता होगा ना? पीने का दिल कर रहा और पिलाने का भी। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा। और शपथ। अथर्व, एक बात याद रखना, भगवान बुरे लोगों को भले ही बहुत देता हो लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता। गणपति बाप्पा किसकी साइड है ये तो आज हम सभी ने देख लिया। माघी गणपति के दिन अवसर ने व्रत रखा है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि गणपति बाप्पा अवसर की श्रद्धा की लाज नहीं रखेंगे। छोटी छोटी बाजियों की जीत से कल्याणी राणे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी इतना गुस्सा? कल्याणी बहुत बकवास कर रही हो ना तुम, छोटी बाजियां तो बहुत जीत रही हो तुम, बड़ी बाजी जीत कर दिखाओ तो मानो। मल्हार राणे को जेल जाने से रोक सकती हो? बोलिए, बचा सकते हो मल्हार राणे को? कल्याणी, ये माघी गणपति का व्रत होता है ना, बहुत मुश्किल होता है, निर्जला व्रत होता है ये, और फिर गलती से अगर कुछ खराब हो गया ना तो फिर पता नहीं कौन सी आपत्ति आ जाएगी। वो आई, हर बात का स्ट्रेस लेती हो तुम, इतना स्ट्रेस मत लिया करो। अरे कहाँ डिफिकल्ट है, बस पूजा खत्म होने तक मुझे बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए रहना है ना? आई तुम भी ना, कब से जिद पकड़ के बैठे हो, मैं कोई व्रत नहीं रखने वाली। और तुम गांव के लोग इस व्रत को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? अरे चुप कर संपदा, माँ की गणपति का व्रत बहुत शक्तिशाली होता है। अरे देखा नहीं तूने, आओ साहब ने ये व्रत रखा तो अथर्व घर में शराब तक नहीं ला पाया। एक संपदा, एक बार अपने बच्चे के लिए व्रत रख के तो दे, मुझे पूरा भरोसा है
कि तुझे मोक्ष वापस मिल जाएगा। मल्हार के जेल जाने के बाद वैसे भी मोक्ष मेरे पास ही आने वाला है। देख, अगर कल्याणी ने यह व्रत पूरा कर लिया ना, तो हो सकता है कि मल्हार जेल ही ना जाए और उस पे लगा इल्जाम भी मिट जाए। आई, मुझे ना मल्हार जी की टेंशन हो रही है बहुत। उनको बचाने का कोई आइडिया सूझ ही नहीं रहा है मुझे। आई होप गणपति पापा जल्दी से मुझे कोई आइडिया दे दे। आई, आहू साहब ने व्रत रखा इसलिए पापा ने मुझे ब्लैक कॉफी वाला आइडिया दिया। और घर में शराब भी नहीं आई क्योंकि आहू साहब ने व्रत रखा था। मैं भी व्रत रखूंगी। गणपति पापा, मुझे भी कोई आइडिया दे दो ना जल्दी से कि मल्हार जी को कैसे बचाया जाए। देखिए, अभी 5 बजने में ना सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। अब जल्दी से मुझे कोई आइडिया दे दो ना, नहीं तो मल्हार जी को जेल जाना पड़ेगा और मैं उन्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकती। निर्जला व्रत है ना तुम्हारा, पानी नहीं पी सकती तुम। सॉरी, मैं सच में भूल गई थी। देखो कल्याणी, मैं इसलिए कह रही थी कि तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? आई, क्या समझ के रखा तुमने मुझे? व्रत तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। पापा सुन लो, हाँ, तुम्हारे लिए व्रत रख रही हूँ। अब देखो जल्दी से ना मुझे कोई आइडिया दे दो। आई, तुम्हें क्या लगता है कल्याणी का ये व्रत काम कर पाएगा? हाँ, माघी गणपति का व्रत रखने वाले लोगों को मैंने कभी निराश होते हुए नहीं देखा। अगर कल्याणी ने इस व्रत को पूरा कर लिया ना, तो वो कुछ भी करके मल्हार को जेल जाने से रोक लेगी। इसका मतलब है कि कल्याणी को ये व्रत करने से रोकना ही होगा। जब कल्याणी के पास उसकी प्यारी सी आई है तो फिर उसका व्रत कैसे खराब होगा, बताओ? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना मैं जो भी कह रही हूँ। हाँ, पहले ना तिल का उबटन अपने पूरे शरीर पर लगाना है और फिर थोड़ी देर बाद तिल के ही पानी से तुम्हें स्नान करना है, ठीक है? और फिर अपने हाथों से बनाए गए मिट्टी के गणपति बाप्पा को मंदिर ले जाकर वहाँ उनकी पूजा करनी है। हाँ, पहले जाके नहाना है, फिर उबटन को अपने बॉडी पर लगाना है। कल्याणी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नहाने के बाद कोई उबटन लगाता है क्या? मेरी बात पे ध्यान दो ना, ये मोबाइल पे क्या कर रही हो तुम? अरे आई, तुम गलत समझ रही हो मुझे। वो तुम्हारी बातें रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैं तुम्हारी बात सुन नहीं पाई। अरे मैंने ना अपने मोबाइल में तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली, तो मुझे कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी बातें सुन सकती हूँ ना। ठीक है। अच्छा, वो तिल का उबटन जो मैंने दिया था तुम्हें, वो कमरे में रखा है ना? तू जाओ, अब लगा लो। ठीक है। आई, ये क्या है? कल्याणी ये व्रत तो पूरा कर नहीं पाएगी क्योंकि इस डब्बे में मैंने तिल के उपटन की जगह सफेद सीमेंट डाल दिया है। आई, ये तो हूबहू तिल के उपटन की तरह ही लग रहा है। बस एक बार कल्याणी इसे अपने शरीर में लगा ले तो उसकी मोटी चमड़ी जल के काली हो जाएगी। व्रत रखना तो दूर, जली हुई चमड़ी ठीक होने में हफ्ते लग जाएंगे। अब बात है, तू तो मास्टरमाइंड निकली। सबसे पहले तिल का पेस्ट लगाना है पूरी बॉडी पे और फिर तिल के पानी से नहा लेना है।
तेल का डब्बा यही कहीं होगा, यहाँ देखती हो शायद उधर हो। मिल गया। और फिर क्ले से आइडल बना के उसको जाके मत। आउच। देवा देवा लक्ष्य ठेवा, गाय का काम शैतान का काम होता है। देख नहीं रहा था मैं चल रही हूँ, साइड में भी नहीं रह सकता था। लग गई। कोई आ जाए इससे पहले मुझे साफ करना होगा। हाँ क्या कर दिया मैंने स्टूपिड कहीं का। बहुत भूख लगी थी। तुमने नाश्ता किया? मैं तो भूल ही गई, तुम्हारा तो निर्जला व्रत है ना। ओ क्या लगा आपको? क्या मतलब? ये क्या कर रही हो तुम? ये डब्बा क्यों दिखा रही हो मुझे? मेरा व्रत खराब करना चाहती थी ना आप। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि आप मल्हार जी के घर में रहती हैं, लेकिन फिर भी सपोर्ट संपदा को करती हैं। लेकिन इतना समझ लीजिए आत्या, मैं ये व्रत पूरा करूंगी और पापा की कृपा से मल्हार जी को जेल जाने से रोकूंगी भी, और मेरे व्रत में कोई कमी नहीं रहेगी। तभी तो ये तिल का पेस्ट बनाया है मैंने। अरे कल्याणी, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा व्रत पूरा हो और कुछ भी करके मल्हार जेल जाने से बच जाए। हाँ। फिर तो समझे कि मैंने मल्हार जी को जेल जाने से रोक लिया। एक हाई फाई तो बनता है। आईने पहले कहाँ लगाने बोला था? हाँ पैरों पे। मोक्ष क्या हो गया? भूख लगी है तुझे? अरे अभी तो दूध पिलाया था। अरे इतनी ओवर ईटिंग करेगा ना तो मोटा हो जाएगा, तो मैं गोद में नहीं लूंगी। हाँ चुप हो जा। अरे कल्याणी तुम अपने व्रत पे ध्यान दो। अरे मैं हूँ ना बच्चे को देखने के लिए। हाँ अच्छा बेटा। अरे क्यों रोता है तू? हाँ जा जा। ओ नो नो नो, नहीं 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 नहीं, नहीं रोते बेटा। अरे आत्या मुझे दीजिए आप,
आपको वैसे भी ना पसंद नहीं करता, आपसे चुप नहीं होने वाला हूँ। अरे मैं हूँ ना, और ऐसे कैसे चुप नहीं होगा? हाँ मैंने भी एक बच्चे को बड़ा किया है। तुम जाओ उपटन लगाओ। हाँ उपटन बाद में लगाया जा सकता है। आत्या पिल्लू रो रहा है, मैं उसे रोने नहीं दे सकती ऐसे। बस दो दो मुझे दो। अरे चुप करा ना। दो ना। उल्लू उल्लू क्या हो गया, क्यों रो रहा है मेरा बेबी? हाँ तुझे पता है आज हम क्या लगाने वाले है? ये देख क्या बनाया है हमने। क्या ये? सोच ये मेरी बॉडी पे लगेगा। पिल्लू को खेलना है इसके साथ, पिल्लू को भी लगा दो थोड़ा सा। लगा दो तुझे, लगाओ लगाओ। राणे फैमिली अब क्या नौटंकी है इसकी। राणे फैमिली बाहर आ जाओ, आई एम मिसिंग यू गाइस। क्यों बुलाया हमें? ये 1,00,000 के फोन में सेल्फी लेने का मजा ही कुछ और है। क्यों बुलाया हमें? ए, दिख नहीं रहा सेल्फी ले रहा हूं। डोंट डिस्टर्ब। हाँ कल्याणी राणे क्या लग रहा हूं मैं? सुपर क्यूट झकास। सोच रहा हूं पैसे लगा कर ना एक फिल्म बना लेता हूं, आखिर बॉलीवुड को जरूरत है मेरी ऐसा हीरो। मैं बता रहा हूं ना क्यों बुलाया। संपदा तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, लेकिन ये खबर सुनने के बाद तुम मेरी दीवानी हो जाओगी। अथर ये जाना पहचाना है, ये है कोर्ट का नोटिस और इसमें लिखा है कि मिस्टर मल्हार राणे के जेल जाने के बाद उनके बच्चे की पूरी कस्टडी उनकी असली मां संपदा के पास चली जाएगी। फुल अथॉरिटी। ऐसा ही एक नोटिस मेरी संपू के मुंह पर मारा था ना। जो नए नए अमीर होते हैं ना बड़े बेशरम होते हैं, भूल जाते हैं कि ऐसी चीजें करने के लिए उनके पास इतना कमरा है। तो नए नए अमीर इतने बेशरम क्यों होते हो? क्या हुआ कल्याणी, बुरा लगा? अच्छा तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है इसलिए ना। हाँ मेरे और मल्हार जी के बीच में क्या रिश्ता है ये तुम्हारे समझ के बाहर है, क्योंकि जब तुम शादीशुदा थी तुमने उस रिश्ते को धोखा दिया और अब तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जिसमें ना तुम्हारी मांग में सिंदूर है और ना ही तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारे पति का नाम। ये तो अपने आप में एक धोखा हुआ। वो, कितना चल रही हो तुम। चलो कोई बात नहीं, एक बार मल्हार जेल चला जाए उसके बाद तुम भी आजाद पंछी की तरह यहाँ वहां उड़ती रहना, एक हाथ तो बॉयफ्रेंड भी रख लेना। क्या किया तूने? चल रहे अथर, अथर भी चल रहे। संपदा मेरे कपड़े देख लो। हाँ अथर। अरे संपदा इतना क्या ड्रामा कर रही हो? तिल का पेस्ट है वो, तुम्हारा हाथ नहीं जलने वाला इससे। लेकिन अगर तुमने मोक्ष को छूने की कोशिश की ना तो मैं जरूर तुम्हारा हाथ जला सकती हूँ। अथर देख क्या रहे हो? हाँ। चलो मेरे साथ। हाँ, चलो पानी डालो पहले। अथर पागल लड़की। पिल्लू वैसे तूने जो किया वो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है तू संपदा से नफरत करता है, पर तूने मेरी मेहनत वेस्ट कर दी यार।
अब ये सारा पेस्ट मुझे वापस से बनाना पड़ेगा ना। गंदा बच्चा। मैंने पहले ही मना किया था ना तुम्हें, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। कल्याणी, मैं व्रत करूंगी और आप मुझे रोक नहीं पाएंगे।